छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और मुंगेली जिले के निकाय चुनाव प्रभारी ताम्रध्वज साहू आज मुंगेली और लोरमी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही आगे की रणनीति पर भी उन्होंने चर्चा की। इस दौरान चुनाव प्रभारी ताम्रध्वज साहू को प्रत्याशियों से शिकायत मिली कि उन्हें बागियों से नुकसान हो सकता है, जिस पर चुनाव प्रभारी ने संज्ञान लेते हुए बागियों को आज तक का अल्टीमेटम दिया है और नहीं मानने पर बागियों के खिलाफ कार्रवाई करने के संकेत भी दिए। लोरमी में प्रत्याशियों से चर्चा से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने हरी शोभा वाटिका में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जनता के बीच भूपेश सरकार की योजनाओं को लेकर जाने की बात कही। और जो काम में नहीं लगे हैं उनको लगाना, जिनकी पूछ परख नहीं की लोगों को वहां तक जाना, प्रचार करने में क्या असुविधा हो रही इसकी जानकारी देना, मूल आज का दौरे का बैठ चुके हुए अगर वो सरेंडर करते हैं, प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो उनके निष्कासन की कार्यवाही किया जाए।